हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल रान्नार सहज पाठ। टुडेज रेसिपी इज चिकन गुस्ताबा, एक मशहूर कश्मीरी डिश, चिकन बॉल्स विद क्रीमी कर्ड ग्रेवी। पहले हमें इंग्रेडिएंट्स की तरफ ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट। बोनलेस चिकन 750 ग्राम, दो अंडे, दालचीनी पाउडर 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, मेथी पाउडर 1/2 टीस्पून, शाही जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। चिकन एंड सारे मसाले फ्रूट प्रोसेसर में पेस्ट कर लेते हैं। देखिए स्मूथ पेस्ट बन गया। अब दो अंडे भी देना है, फिर एक बार चला लेंगे। पॉट में दो ग्लास ल्यूकवार्म वाटर मैंने ले लिया और ये पेस्ट से छोटा छोटा गुस्ताबा बना के उस पानी में डालते जाएंगे। Now all the gustavas are ready. इसमें थोड़ा खड़ा मसाला जोड़ना है। लौंग 3-4, बड़ी इलायची, दालचीनी 1 इंच, छोटी इलायची 3। कढ़ाई को ओवन में बिठा रही हूँ। 250 ग्राम चिकन से मैंने 32 गुस्ताबा बना लिया। 15 मिनट्स इसको कुक करना है। ये कुक होता रहे, यखनी बना लेते हैं। 750 ग्राम दही फेंट लिया, खड़ा मसाला इसमें भी देना है, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 4, दालचीनी 2 पीस, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, 3-4 लौंग, मिंट पाउडर 1, स्टार एनिस। एक पॉट ओवन में बिठा लिया। अब ये दही को धीमी आंच पर पकाना है जब तक दही में उबाल ना आ जाए। दही में उबाल आ गया, अब इसमें खड़ा मसाला डालना है। 2-3 मिनट फिर कुक करूंगी। गुस्ताबा कुक हो चुका है, दही में डालते जाएंगे। अब इसमें देना पड़ेगा थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा मिंट पाउडर इसमें देना है। ढक के 10 से 15 मिनट तक इसको उबालना है। बीच बीच में एक दो बार खोल के चला लेना पड़ेगा। अब देखिए ब्यूटीफुल टेक्सचर आ रहा है। जितना साइज का गुस्साबा मैंने बनाई थी उसका साइज करीबन डबल हो गया, मतलब ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। ऑयल 50 ग्राम डालना है। ग्रेवी और भी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, फिर ढक रही हूँ। 15 मिनट्स लेटर। अब 15 मिनट्स हो गया, गुस्ताबा का हाल देख लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑसम टेक्सचर। तो चलिए इसके ऊपर और थोड़ा मिंट पाउडर छिड़क रही हूँ। यही मिंट इसका सबसे बढ़िया खुशबू देने वाला। गुस्ताबा पूरा पक चुका है, ओवन ऑफ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा रेसिपी चिकन गुस्ताबा, एक कश्मीरी डिश जो बहुत 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 ही बढ़िया किस्म का बन गया है और खाने में तो लाजवाब। आप बनाइए, खाइए और आपका अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। तो थैंक यू व्यूअर्स।